नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ शहर याद से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, संयुक्त पुलिस आयुक्त लॉ एंड ऑर्डर ने दी जानकारी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, संयुक्त पुलिस आयुक्त लॉ एंड ऑर्डर ने दी जानकारी। आज से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर। लखनऊ में आज से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत हो रही है। से 12 फरवरी तक लखनऊ जनपद में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित की जा रही है। इस समिट में विभिन्न देशों से लगभग 10,000 उद्योगपति सम्मिलित होंगे, निवेशकगण सम्मिलित होंगे, साथ ही विभिन्न देशों के राष्ट्रदूत, हमारे केंद्रीय मंत्रीगण और राज्य सरकार के मंत्रीगण भी इसमें यहाँ पर सम्मिलित होंगे। इस सबको दृष्टिगत रखते हुए लखनऊ पुलिस द्वारा पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। यातायात इस प्रकार से संचालित किया जाएगा कि किसी भी व्यक्ति को कोई असुविधा ना हो और कहीं पर भी यातायात बाधित ना हो, इसके लिए पर्याप्त योजनाएं बनाई गई हैं और सभी लोगों को डायवर्जन प्लान से अवगत करा दिया जा रहा है। अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और आरडब्ल्यूएस के साथ मीटिंग करके अग्निशमन की भी व्यवस्थाएं की गई है। फायर टेंडर्स अलग अलग स्थानों में प्लेस किए गए हैं, साथ ही एनएसजी की एंटी ड्रोन टीम को बुलाया गया है कि किसी भी प्रकार से कोई भी अनधिकृत ड्रोन यहाँ पर संचालित न हो पाए। वहीं उत्तर प्रदेश में इज ऑफ डूइंग बिजनेस और इज ऑफ स्टेयरिंग बिजनेस के अनुकूल माहौल से प्रभावित हुए भारतीय उद्यमियों के एक समूह ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में सहभागिता के लिए वे उत्साहित हैं और प्रदेश में कई क्षेत्रों में निवेश करना चाहते हैं। इसी क्रम में एवन साइकिल ग्रुप ने 500 करोड़ का, हीरो ग्रुप ने 350 करोड़ और वैन ग्रुप ने 2000 करोड़ का और सूर्यांश ग्रुप ने 100 करोड़ का निवेश करने का प्रस्ताव रखा है। अटल पूर्वांचल औद्योगिक विकास परिषद के अध्यक्ष राम उग्रह शुक्ला ने बताया कि बड़े स्तर पर उद्यमी आए हैं और अटल पूर्वांचल औद्योगिक विकास परिषद के माध्यम से 2,26,290 करोड़ का निवेश किया जा रहा है। वहीं निवेशक भी प्रदेश के अच्छे माहौल के मद्देनजर यहां निवेश करने में रुचि ले रहे हैं। एमईओ जो सरकार के साथ हुआ है वो 500 करोड़ का हुआ है। वो सारा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है क्योंकि वो हमारे एक संत हैं जो हमें मुख्यमंत्री रूप मिले हैं। 3-4 बार मुलाकात में उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि मैंने 2,26,130 करोड़ का एमईओ कराया था और कम से कम 250 से लेकर 300 इन्वेस्टर आ चुके हैं अटल पूर्वांचल औद्योगिक विकास परिषद के बैनर से। हमारी ये अमृता जी हैं, ये महाराष्ट्र की अध्यक्ष हैं, ये तिवारी जी हैं, ये भी 2000 करोड़ का उसी दिन इन्वेस्ट किए थे जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी 17 दिसंबर को। ये सीपी तिवारी जी हैं और डॉक्टर एमएल श्रीवास्तव जी हैं, वो हमारे गौर साहब हैं, लीगल सब काम देखते हैं। ये राजेश सिंह हैं जो फ्यूल से पेट्रोल बना रहे, भी 4 तहसील में इन्होंने 70-70 करोड़ का इन्वेस्ट किया है। आप हैं बनारस की, हालांकि महाराष्ट्र की आपके अध्यक्ष हैं। इंडिया इस बार की G20 प्रेसिडेंसी होल्ड कर रही है तो ये मान के चलिए कि जो स्टेप्स इस पीरियड में लिए जाएंगे वो माइलस्टोन होंगे और यही शुरुआत मैं बहुत फक्र से कहती हूँ कि हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक इनिशिएटिव लिया है जो आज दिख रहा है। मैं ये बहुत फक्र से कहूंगी कि ये उनकी छवि और उनकी लीडरशिप क्वालिटी है जिसकी वजह से ना ही पैन इंडिया जबकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स आपके यहाँ लखनऊ में आ रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। एमईओ जो सरकार के साथ हुआ है वो 500 करोड़ का हुआ है और इसमें जो हम लोग ये करने जा रहे हैं डेंटल टूरिज्म को डेवलप करने जा रहे हैं क्योंकि टूरिस्ट सेंटर अब यूपी तो बहुत ही बड़ा हब टूरिस्ट का हो रहा है और डेंटिस्ट्री को उसके साथ जोड़ते हुए हम डेंटल टूरिज्म सेंटर स्टार्ट करने जा रहे हैं और 8 से 10 सेंटर हम टूरिस्ट सेंटर्स के आसपास ही सिटी में डालेंगे जिसके लिए हम 2 से 3 साल का समय लेके चलेंगे। अभी हम इनिशियल फेज में 4 सेंटर डाल रहे हैं और इसके साथ साथ में ही ऐसे लोगों के लिए जो
एक लोअर तबके से आते हैं या आम आदमी के लिए हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक सेंटर जो डेंटल जनरल डेंटल सर्जरी का है वो हम डालने वाले हैं। जिम्मेदारी मेरे पास है इंडस्ट्रियल प्रमोशन की, तो मैं आपको लिस्ट शेयर करता हूँ कि जो अटल पूर्वांचल औद्योगिक विकास परिषद के माध्यम से 2,00,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट हुआ है, 2,26,00,000 करोड़ के आसपास का, जिसमें आहूजा ग्रुप ने 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल दिया है। ओंकार सिंह साहब हैं एवन साइकिल के 5,000 करोड़ का दिया है उन्होंने। आदित्य मुंजाल साहब हीरो साइकिल वालों ने 10,000 करोड़ का दिया है। सरदार गुरमीत सिंह कुलहर साहब हैं साइकिल पार्ट्स बनाएंगे ये 400 करोड़ का। उसी प्रकार से टीआर मिश्रा साहब ने 300 करोड़ का, सुभाष जैन साहब ने 600 करोड़ का, बंदी जिंदाल साहब साइकिल पार्ट्स एंड फास्टनर के लिए 300 करोड़ का दिया है। ऐसे करते हैं लगभग 2,26,290 करोड़ का है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के लिए यूपी उद्योग विभाग में लगभग 320 करोड़ रुपए जारी किए हैं। पूरे प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए इन्वेस्ट एजेंसी हायर की गई है। इसके साथ उन्होंने कहा कि 21 और 22 फरवरी 2018 में भी लखनऊ में इसी प्रकार का एक समिट आयोजित हुआ था जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। इसमें 4,28,000 करोड़ का और 4,28,000 करोड़ के 1,045 कंपनियों के साथ निवेश का एमओयू साइन हुआ था। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनता के पैसों की बर्बादी कर रही है। से जानना चाहते हैं कि कौन सिला जो लेटेस्ट जानकारी प्रदेश सरकार ने दी थी उसके अनुसार मात्र 106 कंपनियां ही अपना वाणिज्यिक संचालन कर पाई हैं। 2018 के इन्वेस्टमेंट समिट में 4,28,000 करोड़ के जो एमयू हुए थे जिसमें 1,045 एजेंसियां आई थी उसमें से मात्र 106 कंपनी ये जून 2022 तक प्रदेश सरकार के का ही ये आंकड़ा है। मात्र 106 कंपनियां ही अपना वाणिज्यिक उत्पादन कर पाए जिसमें लगभग इस 4,28,000 करोड़ के जो दावे किए गए थे उसमें से लगभग मात्र 9%। तो ये सिर्फ इवेंट ही है, दावा बड़े बड़े होते हैं परिणाम जीरो आता है। लोगों को इन्वेस्टमेंट के नाम पे गुमराह, ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, भगवान लक्ष्मण जी की लगाई गई प्रतिमा, एयरपोर्ट पर लगाई गई लक्ष्मण जी की प्रतिमा 12 फीट ऊंची और 1200 किलो वजनी है मूर्ति। नोएडा के प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने बनाई मूर्ति। 50 लाख रुपए में तैयार की गई है मूर्ति। जीटी रोड के 0 पॉइंट पर स्थापित की गई मूर्ति। भगवान लक्ष्मण जी की लगाई गई प्रतिमा लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 12 फीट ऊंची और 1200 किलो वजनी है मूर्ति। नोएडा के प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने तैयार की है मूर्ति। भगवान लक्ष्मण जी की लगाई गई प्रतिमा लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीरों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं और मुख्यमंत्री के साथ में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हैं, डिप्टी सीएम बृजेश पाठक हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से मूर्ति का लोकार्पण किया गया है। भगवान लक्ष्मण जी की मूर्ति लगाई गई है और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक समेत तमाम नेता पहुंचे और इसका लोकार्पण किया गया। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, आप साफ तौर पर देख सकते हैं, उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान
भगवान लक्ष्मण जी की प्रतिमा लगाई गई, उसका लोकार्पण हुआ। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर यह प्रतिमा लगाई गई है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 उद्घाटन कार्यक्रम, 10:10 पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी और सीएम योगी का आज का कार्यक्रम है। 10:30 ग्लोबल ट्रेड शो करेंगे विजिट, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कार्यक्रम स्थल का करेंगे अवलोकन। 10:50 उद्योगपतियों से मिलेंगे पीएम और सीएम। 11:00 पीएम करेंगे यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट फिल्म का अवलोकन। उद्योग समूहों के संबोधन में होंगे शामिल। 11:40 पर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचेंगे, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होंगे प्रधानमंत्री, उसका शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि 10:10 पर पीएम मोदी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उद्योग समूहों के संबोधन में होंगे शामिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन कार्यक्रम है आज। आपको बता दें कि आज से लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट शुरू हो रहा है। वहीं सीरिया और तुर्की में आए भूकंप ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। इस मौके पर लखनऊ में ईदगाह ऐशबाग में भूकंप पीड़ितों के लिए खास दुआ का एहतमाम किया गया। साथ ही भूकंप पीड़ितों की जल्द सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। लखनऊ ईदगाह में जुहर की नमाज के बाद मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने भी खुसूसी दुआ कराई। भूकंप पीड़ितों के लिए कराई गई इस खास दुआ में बड़ी तादाद में नमाजियों ने शिरकत की। खुसूसी दुआ में हादसे का शिकार हुए परिवारों को इस सदमे को झेलने और घायल लोगों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। जितने मैसिव स्केल पर तुर्की और सीरिया में अर्थक्वेक आया है और वहां हजारों की तादाद में लोग मारे गए हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में छोटे छोटे बच्चे यतीम और अनाथ हो गए हैं और लोग अभी भी वहाँ पर मुसीबत में मुब्तला हैं, तो इस सिलसिले में आज जामा मस्जिद ईदगाह लखनऊ में स्पेशल और खसूसी दुआओं का अहतमाम किया गया, जिसमें कि उन लोगों के लिए अल्लाह ताला से खसूसी दुआएँ की गई। और इस मौके पर खासकर जो लोग मारे गए हैं उनके नफरत के लिए और जो जख्मी हैं उनके शिफा के लिए और जो जिनके घर वाले हैं जिनके घर वाले दुनिया से रुखसत हो गए हैं उनके लिए उनके घर वालों के लिए सब जल्दी की दुआ की गई। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से आ रही है। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मैं आप तक पहुंचा रहे। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने की बजट की तारीफ। व्यावसायिक शिक्षा राज्य मंत्री ने केंद्रीय बजट की तारीफ की। आम बजट को बताया जन कल्याणकारी, जनता के हितों के लिए बताया बजट। कलेक्ट्रेट सभागार में गिनाई बजट की खूबियां। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बजट की तारीफ की है। आम बजट को बताया जन कल्याणकारी, जनता के हितों के लिए बताया बजट। कलेक्ट्रेट सभागार में गिनाई बजट की खूबियां। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बजट की तारीफ की है। केंद्रीय बजट की तारीफ की है राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने। जनता के हितों के लिए बताया बजट। कलेक्ट्रेट सभागार में गिनाई बजट की खूबियां। बिजनौर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसान की आत्मनिर्भर हो उसके लिए ई फर्टिलाइजर की बात है। विश्व गुरु की ओर प्रधानमंत्री का आभार को लगातार बढ़ना है। जब उन्होंने कहा जब समिट हुई हमारी शिखर सम्मेलन हुए तो शिखर सम्मेलन के अंदर भी पर्यावरण के ऊपर, ऊर्जा के ऊपर, जल संचय के ऊपर, आतंकवाद के संरक्षण के लिए इस प्रकार के जितने अंतर्राष्ट्रीय विषय थे उन सबका भी आह्वान प्रधानमंत्री ने किया और
प्रधानमंत्री ने उसका भी नेतृत्व किया तो तब भी दुनिया ने सोच स्वीकार किया। आज बहुत प्रसन्नता का विषय हमारा ये है कि G20 देश जितनी देश दुनिया की महाशक्तियां हैं उन्हें सबकी अध्यक्षता करने का मौका एक वर्ष के लिए माने प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है। यानी ये बात कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी को विचार करते हैं तो दुनिया उनकी ओर देख रही है और दुनिया उसको स्वीकार भी कर रही है और दुनिया उनका नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार है। और G20 लगभग 80% जीएसटी अध्ययन का अर्थव्यवस्था वो इन देश 20 देशों के हाथ में है जिसको प्रधानमंत्री ये नेतृत्व कर रहे हैं। और हम सबका सौभाग्य है कि बनारस के अंदर, नोएडा के अंदर, लखनऊ के अंदर ये G20 शिखर सम्मेलन, आगरा के अंदर ये हो रहा है। खबर लखनऊ से है जहां मस्जिद में महिलाओं के नमाज पढ़ने को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में महिलाओं को मस्जिद में नमाज के लिए मना नहीं किया गया है, बहुत मस्जिदों में औरतें नमाज पढ़ती हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में साथ साथ अपने देश में भी महिलाओं पर कोई रोक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि ईदगाह लखनऊ जमा मस्जिद में औरतें जुमे की नमाज अदा करती हैं। इस्लाम में ख्वातीन को, औरतों को मस्जिद में नमाज पढ़ने से मना नहीं किया गया है, बल्कि बहुत सी मस्जिद में ऑलरेडी औरतें नमाज पढ़ती हैं और पूरी दुनिया में आप देख लें कि अक्सर मस्जिदों में औरतें नमाज पढ़ने जाती हैं और अपने मुल्क में भी इस पर किसी किस्म की कोई रोक नहीं है। और हमारे यहाँ ईदगाह लखनऊ में जो जामा मस्जिद है वहाँ जुमे की नमाज में भी बाकायदा औरतें बाजमात नमाज अदा करती हैं और ईद और बकरीद के मौके पर भी ईदगाह लखनऊ में ख्वातीन नमाज पढ़ने आती हैं। वहीं बिजनौर के थाना कोतवाली शहर बिजनौर के मंडावली सैदू में एक ही परिवार के 5 लोगों का शव उनके पैतृक गांव पहुंचा। एक ही परिवार के 5 लोगों के शव देखकर परिवार के लोगों और ग्रामीणों में कोहराम मच गया। 5 शव कश्मीर के कुपवाड़ा से आए जहां अंगीठी जलाकर सोने और दम घुटने से पति पत्नी और 3 बच्चों की मौत हो गई। शवों के पैतृक गांव पहुंचने पर परिजनों ने उन्हें सुपुर्दे खाक किया। बिजनौर की एक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों का शव पैतृक गांव पहुंचा। आपको बता दें कि कश्मीर के कुपवाड़ा में ये लोग रहते थे और जहां पर अंगीठी जलाकर सोने और दम घुटने से 5 की मौत हो गई जिसमें पति पत्नी और 3 बच्चे शामिल हैं। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, राजाजीपुरम में लाइव मौत का वीडियो, बाइक और स्कूटी सवार में हुई टक्कर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, राजाजीपुरम में लाइव मौत का वीडियो, बाइक और स्कूटी सवार में हुई टक्कर, एक की मौत और एक हुआ घायल, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, राजाजीपुरम में लाइव मौत का वीडियो सामने आया है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। तेज रफ्तार से आती स्कूटी ने बाइक में टक्कर मारी और उसके बाद स्कूटी सवार और बाइक सवार दोनों ही अपनी अपनी गाड़ियों से काफी दूर जा गिरे। आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से भयंकर हादसा हुआ है। ये तस्वीरें देखकर ही आप हादसे की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं जिसमें एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया गंभीर रूप से। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कैसे तेज रफ्तार स्कूटी और बाइक में टक्कर हुई है और उसके बाद यह गंभीर हादसा हुआ है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये हादसा हुआ है। हादसे की गंभीरता का अंदाजा आप वीडियो फुटेज को देखकर ही लगा सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज में यह पूरी घटना कैद हो गई और हादसे की गंभीरता का अंदाजा आप लगा सकते हैं किस तरीके से यह हादसा हुआ है। तेज रफ्तार किस तरीके से जिंदगी पर भारी पड़ती है इस हादसे को देखकर आप समझ सकते हैं।
मामला बिजनौर के चांदपुर इलाके से है, जहां अज्ञात ट्रैक्टर ने एक युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। मृतक के चाचा ने बताया कि वो दोनों नूरपुर से अपने गांव रोहनिया वापस जा रहे थे, इसी दौरान उनकी बाइक बंद हो गई। बाइक को साइड में करके बाइक को देखने के दौरान एक अज्ञात ट्रैक्टर ने उनके भतीजे को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि भतीजे प्रदीप के सिर में काफी चोट आ गई। घायल अवस्था में प्रदीप को सीएससी चांदपुर में भर्ती कराया गया, जहां के चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर मेरठ के लिए रेफर कर दिया। वहीं हायर सेंटर मेरठ ले जाते समय रास्ते में ही घायल युवक ने दम तोड़ दिया। घटना से परिवार मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मृतक के चाचा वीरेंद्र सिंह ने पुलिस को शिकायत पत्र देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है, और पुलिस को शिकायती पत्र मिलने के बाद पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। हम नूरपुर से आ रहे, मैं प्रदीप, मेरा नाम वीरेंद्र है, विनोद राम कुमार सिंह, प्रदीप किशनो ब्रह्मपाल सिंह निवासी हैं। नूरपुर से आ रहे, नूरपुर से आते हुए धुंधी और बिराल के बीच में हमारी बाइक खराब हुई। बाइक खराब होने से हमने साइड में बाइक लगा के वो मोबाइल टोर्च चला कर मुझे दिखा रहे थे, मैं बैठा किक मार रहा मोटर को, इसने भी पिछले एक महीने टैक आया चक्कर मारकर छपा गया। खबर बिजनौर से है, जहां थाना परिसर में कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने इलाके के गणमान्य लोगों के साथ पीस कमेटी की बैठक की, और इस दौरान जिसमें इलाके के लोगों से कावड़ियों के गुजरने वाले रास्तों पर होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई, साथ ही समस्याओं का जल्द ही समाधान करने का आश्वासन दिया गया। जैसा कि आपने देखा कि कोतवाली अफजलगढ़ में मेरे कोतवाल साहब के नेतृत्व में एक शिव कांवड़ यात्रा जो आगामी आने वाली है, तो आयोजकों संबंधित जो मार्ग कांवड़ मार्ग है उसके जो प्रधान क्षेत्र के विभिन्न वर्ग के लोग सभी लोग आए, सबको उनकी समस्याएं पूछी गई, समाधान का प्रयास किया गया, और NHI PWD विभाग से जहाँ जहाँ भी मरम्मत किया उसकी जरूरत जो भी उन्होंने नॉलेज में दिया, तो कोशिश करके 2 से 3 दिन में ये कार्य पूरा करा दिया जाए। बिजनौर के हरेवली में दुष्कर्म पीड़िता अपने जीजा के साथ बाइक पर सवार होकर मेडिकल परीक्षण कराकर अपने घर लौट रही थी, इसी दौरान नहर पर बाइक असंतुलित होने से युवती बाइक से उछलकर नहर में जा गिरी। पुलिस अफसरों ने कई गोताखोरों की टीम को युवती की तलाश में लगाया है, फिलहाल उसका पता नहीं चल पाया है। एक गांव में बिहार से 18 वर्षीय युवती अपनी शादीशुदा बहन की देखभाल के लिए आई थी। बताया जा रहा है कि 5 नवंबर 2022 को अपनी बहन के साथ युवती बकरियों को जंगल से चारा लेने के लिए गई थी, इसी दौरान गांव के प्रधान और भतीजे ने उसे दबोच लिया। यहां पर एक महिला के नहर में गिरने की सूचना पर मैं मौके पर आया, तो यहाँ मेरी बात हुई उसका जो जीजा है दिनेश, उससे उसने ये अवगत कराया कि वो अब लौट रहा था और ठीक जहाँ पर रेलिंग टूटी है उसी जगह पर सामने की तरफ से किसी वाहन के आने पर वो असंतुलित हो गया, डिसबैलेंस हो गया और वो रॉन्ग साइड चला गया, और इसी असंतुलित होने के झटके से उसकी साली जहाँ रेलिंग टूटी है वहाँ से नदी में नीचे गिर गई नहर में, और तत्काल उसने शोर मचाया, लेकिन जो लोग यहाँ मौजूद थे उन्हें तैरना नहीं आता था, इसके कारण उसकी तत्कालिक सहायता नहीं मिल पाई। अभी हमने नहर का पानी कम करवाया है और गोताखोर हैं और बॉडी की तलाश कर। अब आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर लखनऊ वासियों को सौगात दी है। मुख्यमंत्री महोदय से और माननीय रक्षा मंत्री महोदय से कृपया बटन दबाकर इन योजनाओं का लोकार्पण करें। शहीद पथ से लखनऊ एयरपोर्ट तक एलिवेटेड फ्लाईओवर का लोकार्पण, नगराम रेलवे उपरगामी सेतु का लोकार्पण, राजाजीपुरम से रानी लक्ष्मीबाई चिकित्सालय क्लोवर लीफ का लोकार्पण, शहीद पथ पर करगिल युद्ध के शहीदों की स्मृति में समर्पित करगिल विजय स्मृतिका का लोकार्पण। G20 के आयोजन में स्मृति में
लखनऊ में शहीद पथ से जनेश्वर मिश्र पार्क के गेट नंबर 6 तक के मार्ग का G20 का नामकरण, लखनऊ स्थित 76 मंजिल की फसाद लाइटिंग का लोकार्पण और वीरवर लक्ष्मण जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। इन शुभ क्षणों की शोभा जोरदार तालियों के माध्यम से बहुगुणित कीजिए और हम सब अनुग्रहित हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ हमारे मध्य बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। उत्तर प्रदेश।